Hello, my dear children. Welcome back to Byju's. This is me, Sneha Sharma, in the process of discussion of NEET 2020 questions with you all. So, without any delay, I would like to get straight on to the point. Let us start with our question discussion. Let us have a look at this question now. The process responsible for facilitating the loss of water. इन लिक्विड फॉर्म सो दिस इज द की पॉइंट हियर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है दैट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग तो अब यहां पर जो बात हो रही है यहां पर हम बात कर रहे हैं प्लांट से वॉटर लॉस की लेकिन नॉट इन दी आर टॉकउटर दिस होल प्रोसेस दट यू लर्न अबाउट इन द्लाट्स चैप्टर इज कॉल्ड एज गटेशन गॉस ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड Especially that happens with openings which are called as high What are they called as?

इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ठीक है अब ट्रांसपेरेशन तो आपको पता ही किन सब चीजों से होता है वो बेसिकली आई मीन 80 टू परसेंट ऑफ ऑफ़ है

हाइड थोट्स मैं आपको बता रही थी मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा ये है बहुत ही सुंदर सी इमेज ऑफ यू नो शोइंग गटेशन अब गटेशन क्या होता है गटेशन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लिक्विड के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं स्पेशली लीफ के मार्जिन के वहाँ से तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे ये क्यों हुआ है होता क्या है स्पेशली ड्यूरिंग लेट नाइट व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग दैट इज द डॉन टाइम जिस टाइम पे टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे सॉइल भी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है लेट नाइट एंड यू नो ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग तो क्योंकि सॉइल मॉइस्ट होती है इसलिए प्लांट्स में जो होता है पानी काफी ज्यादा हद तक इकट्ठा हो जाता है इट रियली गेट्स एक्च्यूमुलेटेड विद इन द प्लांट नाउ वॉट हैपन्स इज बिकॉज यू नो दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ राइजिंग ऑफ वॉटर इन द यू नो root is because of root pressure. है ना रूट प्रेशर एक तरीके का हाइड्रोस्टाटिक प्रेशर बिल्डअप होता है विच इज क्लोज टू अबाउट वन टू फाइव एटमोसफियर विच इज इनफ टू रेज द लेवल ऑफ वाटर इन द प्लांट अप टू सर्टेन हाइट ठीक है इसीलिए बोलते हैं कि रूट प्रेशर जो होता है वो हर्बेशियस प्लांट्स में या फिर श्रब्स में भी कुछ हद तक पानी को राइज कर सकता है लेकिन जब हम ट्रीज में बात करते हैं विच यू नो जिनकी हाइट होती है कई मीटर तक वहां पर पॉसिबल ही नहीं होता है कि रूट प्रेशर इनफ हो पूरा पानी को राइज कराने के लिए तो अब यहां पर क्या होता है क्योंकि रूट प्रेशर से पानी थोड़ा ऊपर पुश हो रहा है

इट इज गोइंग टू बी हाईली रिच इन सल्यूट स्पेशली शुगर्स वन यू टॉक अबाउट ठीक है ऑर्गेनिक सोल्यूट हो सकते हैं इन ऑर्गेनिक सल्यूट हो सकते हैं लेकिन शुगर में काफी ज्यादा रिच होता है क्यों क्योंकि आपको पता है कि यहां पर सिर्फ वॉटर वेपर के फॉर्म में नहीं लूज हो रहा है लिक्विड के फॉर्म में एंड दैट टू वो वॉटर है जो डायरेक्टलीमेंट से आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें तो डिजॉल्व सोल्यूट होंगे ही है ना तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो एग्जाम में आ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड फाइन सो ये आपको समझ में आ गया आंसर तो ऑब्वियसली आपका हो जाएगा रूट प्रेशर अब यहां पर तीन और ऑप्शन दिएगा गए हैं विच इज इम्बिबिशन प्लाज्मोलिसिस ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन के बारे में वैसे तो मैंने आपको समझा दिया बट बाकी दोनों ऑप्शन के बारे में भी एक बार बहुत जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इम्बिबिशन की बात करते हैं सबसे पहले

Why? Because you know that wood is majorly rich in cellulose. And what happens is that this dry wood has a tendency to adsorb water. What does it have? It has a tendency to absorb water. And this happens because of hydrophilic substances. So, this surface adsorption, this temporary holding of water, hai, it causes increase in volume of something. And that is what is called as basically imbibition. Okay. That is what is called as imbibition. So... ज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वॉटर मोलिक्यूल्डिंग एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ठीक है तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है इसका दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो शायद सब लोगों के घर पर नहीं होता है बट आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट है जेल बीज इनको कभी कभी यू नो मार्केट में दे आर नोन एज मैजिक बीज ऑल्सो तो ये मैजिक बीड्स क्या होती हैं? ये बेसिकली बनी हुई होती है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस से ठीक है तो नॉर्मल स्टेट में ये इस तरीके से यू गेट देम इन मार्केट यू नो देर आर फ्लावर्स ऑल्सो विच आर मेड आउट ऑफ दिस सेम मटीरियल तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं दिसअप

में रखेंगे वॉट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन ये आपका लेट्स से कि देर इज अव सोल्यूशन वॉटर प्लस यू नो लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्ट इज देर लेट्स इमेजिन दैट एंड इसमें आपने एक प्लांट सेल को डिप किया मैंने यहाँ पे राउंड सेल बनाई है बट आपको पता है यूजअली प्लांट सेल के थोड़े से शार्प एंडिफाइंड मार्जिन होते हैं बिकॉज दे हैव सेल वॉल राइट तो अब यहाँ पर क्या होगा

Okay, this is one point. This will be called as diffusion. And the other option is that the cell leaks out water within the solution.

अवे फ्रॉम जस्ट अभी बताया था कि सेलवॉल तो रिजिट स्ट्रक्चर है प्लांट्स में तो होता क्या सेलवॉल तो श्रिंक हो नहीं सकती है बिकॉज इट इज मेड अपी सेलोज एंड ऑल ऑफ दैट तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा मेंब्रेन जो होती है लेटमी चेंज द इंक कलर हि तो जो प्लाज्मा मेंब्रेन होती है ये मेंब्रेन से छूट करके लिटरली आगे की तरफ

Let us have a look at this question now. So choose the correct pair.

की गई है कुछ एंजाइम्स के बीच में और उनके फंक्शनिंग के बीच में उनमें से कौन से सही ऑप्शन है और कौन से गलत वी हैव टू चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दिस मोस्ट करेक्ट पेरिंग राइट तो पहला है न्यूक्लियस

सोचिए जरा कौन करता 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 है? है है. है? है, ये ये जो जो दिया गया ना, क्या के के दोनों को कि में होता उनको सेपरेट करता है स्पेशली ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन साइकिल है ना तो अब ये जो काम है ये न्यूक्लियस का नहीं है इसलिए ये आंसर हो गया गलत दूसरे पे चलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस मेक्स कट्स एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन द डी एन ए तो आपको याद होगा मैंने जस्ट अभी लाइक like, लिटरली एक मिनट पहले डिस्क्राइब किया था कि एक्जो न्यूक्लियजेस क्या होते हैं एक्जो न्यूक्लियजेस आर दो एक्जो इट मीन्स टूवर्ड्स दी आउटर साइड सो दीज एक्जो न्यूक्लियजेस मे कट्स इन डी एन ए बट टूवर्ड्स दी आउटर साइड एंड नॉट विद इन द डी एन ए सो दिस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस ऑप्शन ऑल्सो गोज एज अ रॉन्ग ऑप्शन राइट गोइंग टू द Ligase, आप इंग्लिश में उस

So, this is not the right answer at all. Poly means many, right? Polymerization basically make, means building up of a polymer. So, DNA, you know, is a polymer. It's a nucleic acid, right? DNA and RNA are two types of nucleic acid which are polymeric in nature. They are basically made up of building blocks of nucleotides, right? who synthesizes this kind of you know polymeric molecule polymerases do that so they don't really break the dna into fragments they actually synthesize it right so this option also becomes incorrect i will actually uh, i would really love to show you all a beautiful schematic way of understanding how exactly these enzymes function rather than just trying to remember it and once you look at these images these beautiful animations that the te team has created you would understand this concept very very well okay let me start with two strands of DNA. Okay, you know that DNA is a double-stranded molecule, right? So now these two strands of DNA run in opposite direction. We literally call this thing, this property as anti-parallel. One strand runs from five to three prime direction right 5 prime to 3 prime direction and the other one runs 5 prime to 3 prime direction in the opposite end why i am saying the word only 5 two, three is because you know that the direction of reading by convention is only 5 to 3 you don't really read the strands in from three prime to five prime in a way of its functioning, right? you may read it like that, but it will not make sense because the coding the um, the synthesis, everything happens in five prime to three three prime direction. Yes, there are certain exceptional enzymes which you would be learning about in your senior classes, which has the property of actually going in a reverse way also, but those are not right now relevant here, okay, going ahead. This nucleases, right? So, you know that enzymes usually end with the word A's. So, what are these nucleases going to do? They are going to make cuts in the nucleic acid, right? Something like this, and they are going to release out all these nucleotides that you are seeing here. Now, based on their uh, site on which they are performing the action of cutting, this is going to be classified as exonucleases, endonucleases, exonucleases, endonucleases.

लेकिन डीएनए में अंदर की साइड एंडो विद इन द डीएनए टू वर्थ समवेयर इन द सेंटर राइट वेन आई से सेंटर इट नॉट मीन द मिडिल पोर्शन आई एम सींग लीविंग एनी थिंग विच इज लाइक यू नो फार अपार्ट ओके तो यहां पर क्या हो रहा है ये रेस्ट्रिक्शन एनजाइम्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडो इज कटिंग द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल और राइट गोइंग फर्दर एक बार जब स्ट्रांड सेपरेट हो जाते हैं जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स इन द सेंस कि हम लोग पे बैकबोन की बात कर रहे हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ हिलिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ डीएनए तो जब डीएनए के स्ट्रैंड्स ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं उनको अगर हमें फिर से जोड़ना है वी टू लाइगेट दम बैक टुगेदर विच एंज इज गोइंग टू फंक्शन लाइगेस इज गोइंग टू फंक्शन टुगेदर सो बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल कलर कोऑर्डिनेशन दैट यू आर कोर्डिनेशन हियर ऑफ पिंक कलर एंड रेड कलर यू वुड अंडरस्टैंड दैट ये जो डीएनए मॉलिक्यूल था ये इस तरीके से यहाँ से कट था राइट right? और दूसरी साइड ये रेड वाला डीएनए मॉलिक्यूल है तो अब क्या हुआ है लाइगेस right? so exactly हमारा पॉलीमरेज जैसा मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज क्या करता है पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए करेगा राइट इन केस ऑफ बी सिंथेसिस ऑफ आरएनए हियर आई एम जस्ट शोइंग यू एन एग्जांपल ऑफ डीएनए सो आई रीड इट आउट एज डीएनए पॉलीमरेज

ओके, okay, ओके, like okay, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है जब ऐसा क्वेश्चन आता है यू हैव टू लुक फॉर दीज वेरी कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्टिंगटिव फीचर्स आप लोगों को पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में दैट राइट है ना तो इसकी वजह से क्या होता है जो वास्क्यूलोर बंडल होते हैं जो कैम्बियम होता है ये यूजुअली जो होता है इट फॉर्म्स अ रिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड केम रिंग राइट आई एम श्योर यू ऑल रिमेम्बर दिस फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स तो अब यहां पर बात कर रहे हैं हम क्लोज्ड वास्क्यूलोर बंडल की क्लोज्ड वैस्क्यूलोर बंडल तभी होता है जब

सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहां पे वास्कुलर बंडल ही दिए गए हैं आपको कुछ बर द पॉइंट दैट मोनोकॉड्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे जो वैस्क्यूलो बो सेम इट इज कंजॉइंट वैस्क्यूलोर बंडल्स वेर जयलम एंड फ्लोएम आर काइंड ऑफ प्रेजेंट टूगेदर ऑन द सेम रेडियाई बट यहाँ पे तो इनफैक्ट वो स्कैटर्ड है तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो इससे हमारा आंसर

So, large number of scattered vascular bundles are, surround, are present there, and that too, these are surrounded by bundle sheath cells, like you see here. Let me just highlight this one with a different color, right? All these cells that you are seeing here, the ones that I am marking in the red, these are your bundle sheath. सेल्स ठीक है आगे चलते हैं ऑब्वियसली uh, पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है जो आप याद कर सकते हैं क्यूटिकल है एपिडर्मिस है ये सब जो स्ट्रक्चर्स जो लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है यहाँ पे राइट right? uh, इसकी वजह से इनफैक्ट इनका जो पिथ होता है मोनोकॉट स्टेम्स का जो पिथ होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल अमाउंट या बहुत ही ज्यादा छोटा होता है ओके नाउ लार्ज कॉन्स्पिक्यूस पैरेंटाइमिटिस ग्राउंड टिश्यू इज दैट दिस इज द सेम पॉइंट आई जस्ट सेट तो इतना सारा ग्राउंड टिश्यू पैरेंटाइमिटिस टिश्यू होता है जिसमें एक्चुअली वैस्कुलर बंडल पूरे स्कैटर्ड है इस वजह से इनका पिथ जो होता है स्टेम्स का वो काफी कम होता है सो यू सी दिस होल पोर्शन दैट यू आर हियर दैट आई एम जस्ट लाइक यू नो काइंड ऑफ हाईलाइटिंग इन रेड राइट नाउ दिस इज वट इज योर ग्राउंड टिश्यू पैर ग्राउंड टिश्यू तीसरा जो पॉइंट्स और लिस्टेड थे उनको भी मैंने यहाँ पे कोलेट uh, कर लिया एक साथ कंजॉइंट दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियाई लाइक यू सी हियर ये ब्लू कलर्ड मास जो आपको दिख रहा है ये है आपका फ्लोएम फिर ये जो बड़ा सा रेड वाला दिख रहा है जिसको मैंने अभी रेड कलर किया है वो है आपका मेटाजाइलम राइट और जो अभी एकदम फ्रेश छोटा वाला जो जाइलम एलिमेंट है वो है आपका प्रोटोजाइलम, विच इज व्हाट इज प्रेजेंट हियर है ना एंड साइड में बंडल शीट सेल्स तो आपकी है ही ये सब आपको दिख ही रही है राइट सो दीज आर क्लोज ड्यू टू द एबसेंस ऑफ कैम्बियम एंड हेंस दे डू नॉट शो राइट फ्लो एम पैर इन दी क्वेश्चन तो अब एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको देख करके सारे ऑप्शन स्ट्रेट अवे आंसर समझ में आ जाएगा दैट गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी ये जो गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं मोनोकॉट स्टेम के लेट इज है लुक एट दिस क्वेश्चन Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by. Now, chromosomal theory of inheritance is a very straightforward thing that you know of. This was given by scientists Sutton and Boveri. In fact, we call it as literally like, you know, Sutton and Boveri's chromosomal theory of inheritance. Now, they kiya explained basically that the chromosomal theory of inheritance uh, was a way of showing that chromosomes are the you know uh, entities that basically has genes on them and both of these that is both the chromosomes and the genes show a behavior which is almost like a parallel behavior right matlab genes get inherited uh, when the meiosis is happening uh, during segregation stages the chromosomal chromosomes also show the similar behavior as it is shown by genes so basically with respect to the location of genes on the chromosome this whole theory was given Iske key pointers exactly kya? that genes are situated on the chromosomes and genes and chromosomes show parallelism in their behavior क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर ये तो आप जानते ही हैं इनफैक्ट मतलब ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें तो एवरी जीन इज काइंड ऑफ प्रेजेंट इन यू नो टू कॉपीज ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इनफैक्ट दैट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ मेक्स यू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली जीन्स और क्रोमोसोम दोनों ही पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं नीडलेस टू से यहां पे हम म्यूटेशंस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम क्रोमोसोमल एबरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं इनफैक्ट अगर इस बिहेवियर से डिविएशन होता है तो कोई ना कोई या तो उसका रीजन म्यूटेशन होता है या फिर This results in certain changes. Now, last point jo hai, which is the key uh, point here, which is the most important point. During meiosis, due to pairing and subsequent segregation of homologous chromosomes, the genes also segregate. So, this point basically just kind of you know puts the final point of chromosomal theory of inheritance where we are trying to show that the parallel behavior exists. Right? This whole theory was definitely given by Walter Sutton and Theodore Boveri. But

experiments with respect to uh, flies which are called as you know uh, drosophila melanogaster आपने घर पे देखा होगा फ्रूट्स के ऊपर कभी-कभी छोटी-छोटी सी फ्लाइज होती है जो ना ही हमें मक्खी की तरह दिखती है इट डजंट लुक लाइक अ हाउस फ्लाई इट डजंट इवन लुक लाइक अ मस्किटो राइट दोस फ्लाइज आर द फ्रूट फ्लाइज बिकॉज़ दे आर यू नो लिटरली वंडरिंग अराउंड द फ्रूट एटसेट्रा तो ये जो फ्रूट फ्लाइज होती है इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ओके तो मॉर्गन ने क्या किया था उन्होंने स्पेसिफिक एक जीन फाइंड आउट किया था इन केस ऑफ दीज फ्लाइज वेयर ही दैट देर इज दिस काइंड ऑफ आई म्यूटेशन दैट इज हैपनिंग एंड ही स्टडीड दैट पर्टिकुलर जीन अ लॉट इन डिटेल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स फॉर क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है तो आपका आंसर यहाँ पे सटन एंड बोवेरी नहीं होगा बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट हु कॉइंड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ यू नो इनहेरिटेंस और हु प्रपोज इट द क्वेश्चन इज आस्किंग about who proved it experimentally which is going to be your morgan the aapko question experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by answer is going to be morgan i hope you all got that right chali dekhte hai is question ko another question based on bt cotton हम जानते हैं इस पेपर में नीट 2020 पेपर में वी ऑलरेडी हैड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीटी कॉटन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चैप्टर राइट सो बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थुरिंगिएन्सिस व्हिच इज अ बैक्टीरिया दिस बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ऑप्शन से आपके पास प्लांट नेमेटोड्स इंसेक्ट प्रिडेटर इंसेक्ट पेस्ट या फंगल डिजीज मैं बताती हूँ यहाँ पर इवन दो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है सिंपल भी है बट मैक्सिम चिल्ड्रन स्लाइट कंफ्यूजन बिटवीन ये प्रिडेटर मार्क करे या पेस्ट मार्क करे तो आप जानते हैं जब हम इकोलॉजिकल रिलेशन की बात करते हैं तो प्रिडेटर जो होते हैं वो यूजली इट्स लाइक अ प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप वेयर प्रिडेटर इज हंटिंग एंड किलिंग द होल प्रे यूजली दट इज द मैकेनिज्म यहां पर क्या होता है इट इज मोर लाइक एन इन्फेस्टेशन मतलब यहां पर जो भी पेस्ट है वो क्या कर रहा होता है पेस्ट यहां पर हमारे लिए इंसेक्ट है हम लोग कॉटन प्लांट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज द बॉलवर्म राइट आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो दिस पॉइंट राइट नाउ इफ यू डोंट नो आई एम रिपीटिंग दैट एनी विच वे इट विल बी क्लियर टू यू है ना तो आपको पता है कि कॉटन प्लांट जो है उस उसपे एक बॉलवर्म नाम का uh, पेस्ट है जो काफी ज्यादा प्लांट्स को इन्फेस्ट करता है जिसकी वजह से क्रॉप की पूरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है And in fact, the cotton is also of not good quality. For this reason,

the recombinant one the genetically modified one is called as the gmo cotton or the bt cotton to be very specific bt means means uh, Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis is a bacteria hai, which has this beautiful gene called as cry gene. Okay, what is it called as? It's called as cry gene. Now, this cry gene codes for a special protein which is called as cry protein. The word cry is coming from the word crystal. Why? Because this protein that is synthesized is a crystalline kind of protein now this protein when because the plant has this gene now whenever this protein is kind of ingested by the ballworm which was feeding here right what will happen here this ballworm when it ingests this crystalline protein the toxin in it kind of gets activated in the gut of the गट ऑफ द लार्वा वर्म राइट और बॉल वर्म जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है इट कॉजेज द होल यू नो लीकेज ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द गट ऑफ द इंसेक्ट लीडिंग टू द डेथ ऑफ द इंसेक्ट एंड हेंस द प्लांट स्टेज अनफेक्टेड right this is the whole uh, story behind bt cotton so is question ka right answer kya hua? bt cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of bacillus thuringiensis is resistant to the answer would be option c insect pests let us have a look at this question select the correct statement तो यहां आपको दिख रहा है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड uh, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यू हैव टू चूज द करेक्ट वन आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट ठीक है says, तो यहां पर आपको आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि इट डजेंट रियली एक्ट ऑन द पैनक्रियाटिक सेल्स इट इज सिंथसाइज बाई द पैनक्रियाटिक सेल एंड इट एक्ट्स ऑन द दिपैटोसाइट मेजरली येस

मोर और यू नो हायर अमाउंट ग्लाइसीमिया रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ शुगर नाउ हियर वी आर टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू द ब्लड ओके तो ब्लड में जो है वो शुगर का लेवल इंसुलिन की वजह से जो होता है इट बेसिकली लीड्स टू लेसर अमाउंट ऑफ शुगर व्हेन इंसुलिन इज 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 वर्किंग वेल सो दिस कंडीशन व्हाट कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया एंड नॉट हाइपरग्लाइसीमिया सो इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया इनफैक्ट हाइपरग्लाइसीमिया से तो ग्लूकोगोन एसोसिएटेड होता है जो इंसुलिन का काइंड ऑफ एंटेगोनिस्टिक हॉर्मोन है और इंसुलिन और ग्लूकोगोन के बैलेंस से ही हमारी बॉडी में सही तरीके से शुगर मेटाबॉलिज्म हो सकता है ओके okay? तो ये स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट तीसरे पे चलते हैं ग्लूकोकॉटिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोकॉटिकॉइड होते क्या हैं?

ज नियो मीनस न्यू मैं आपको याद दिलाती हूँ आपने कभी भी हॉस्पिटल में नियो नेटल आईसीयू राइट नियोनेट एन आईसीयू ऐसा सब सुना होगा ऐसा सब देखा होगा तो नियो का मतलब वहां पर क्या होता है

so formation of new glucose is what is called as gluconeogenesis no rocket science nothing too tough

रेगुलर फंक्शनिंग में ओके फिर आते हैं ग्लूकोगॉन पे मैंने बोला था ग्लूकोगोन एक्जैक्टली उसका उल्टा काम करता है इंसुलिन का वट डज इट डू इट टेक्स अप ग्लाइकोजन एंड वेन एवर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट इज देयर लाइक वेन एवर ब्लड शुगर ड्रॉप वे टू मच ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन ग्लूकोगॉन इज गोइंग टू एलिवेट इट हाउ डज इट डू इट इट ब्रेक डाउन द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल एंड रिलीज दिस ग्लूकोज एंड दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू गेट रिलीज इन द ब्लड दैट मीनस द ब्लड ब्लड ग्लूकोज इज गोइंग टू इंक्रीज विच मीन हाइपर ग्लाइसिमिया इज गोइंग टू हैपन विद रिस्पेक्ट

फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज वुड बी योर ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने इतनी बार ये टर्म बोल दिया इस क्वेश्चन में आई होप आप सबको ये अभी तक याद ही हो गया होगा ओके सो ग्लिसरॉल हो गया अमीनो एसिड्स हो गया अगर उससे हम कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं राइट सो ऑल दिस प्रोसेस इज वॉट इज रेफर्ड टू एज द्लूकोनियोजेनेसिस सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो वो होगा ऑप्शन सी आई होप यू ऑल गॉट दैट राइट चलिए देखते हैं अब हम इस क्वेश्चन को द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रेकग्नाइज बाईको आर वन इज ठीक है अब इको आर वन क्या है इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिय राइट ऑप्टेन फ्रॉम विच बैक्टीरिया ऑप्टेन फ्रॉम इकोलाइ

so eco one is the restriction endonuclease which is obtained from e coli bacteria they basically like when you talk about the restriction endonucleases these are molecular scissors which recognize very very specific sequence and Cut at even a uh, more specific part within that recognition sequence. Those recognition sequences are usually palindromic in nature. When we say palindrome, what is the meaning of it? So, one example of Malayalam, I have already given you another very small and a simpler example is, you know, calling out madam. M A D A M. M A D A M. So, what do you M A D A M is going to be the same both ways, right? so when you read it from left to right or from right to left madam -A -A is going to stay the same the sa in the same way when you look at the two strands of dna that is the 5 to 3 prime and the 3 to 5 prime just for understanding i'm saying these sequences read the same in uh, both the direction when you look at the uh, recognition sequence of eco r1 it is basically g a a t t c okay let me change the color here yeah, so you see G-A-A-T-T-C in this strand which is going from 5 to 3 here, in the 3 to 5 because the reading uh, format is always going to be from the 5 prime to the 3 prime, it will be read in this way. So, let us read it G-A-A-T-T-C. Isn't it the same? So, this is what a palindrome sequence is. This is the recognition sequence for EcoR1 enzyme and where does it cut it? It cuts after G in the GAATTC sequence, that is this point, and here in the other strand the same thing right so this is what is your palindromic sequences and this is how the working of restriction endonuclease takes place in case of eco r1 the sequence that is specific for it is g a a t t c with a cut after g and in between you know g and a we can say that is this particular site and this particular site so what is going to be the right answer we had a list of options here where the sequence is given as a pretty much clear cut uh, uh, sequence, the answer is going to be G A A T T C or G A A T T C when it is read in five to three on the other strand also. So the right answer is going to be option C here. Chaliye is question ko hain. Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond.

काइटिन है कोलेस्ट्रॉल है ग्लिसरॉल है और ट्रिप्सिन है ठीक है तो ये सब जो भी बायोमोलिक्यूल यहाँ पे दिए गए हैं ये आपने पढ़े हैं चैप्टर बायोमोलिक्यूल में एंड इनमें से काफी सारे मोलिक्यूल्स की एप्लीकेशन आपने अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ी है इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों स्टैंडर्ड्स में राइट तो लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टार्ट बाय रिमाइंडिंग यू वॉट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड वॉट इज पेप्टाइड बॉन्ड तो जब भी दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं वेन एवर दे हैव टू फॉर्म अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर द बॉन्ड दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट बिटवीन टू कार्बोहाइड्रेट मोनोमेरिक यूनिट ज वॉट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लाइक यू सी हियर इन दिस इमेज ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के या दो यूनिट्स के ओके क्लियर एवरीवन

क्लियर एवरी वन आगे चलते हैं लिपिड्स का भी मैं आपको बता देती हूँ लिपिड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली एस्टर बॉन्ड बनता है कैसे बनता है जब भी कोई ग्लिसरॉल विच इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एल्कोहॉल्स विच इज सीन इन लिपिड स्ट्रक्चर और लिपिड बैकबोन राइट सो लिपिड्स में जो होता है इट्स बेसिकली वी लिटरली डिफाइन दम एस दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिपिड्स के लिए हम डेफिनेशन कैसे देते हैं जब हम एस्टर्स की बात करते हैं तो यूजुअली जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड आर डैश मतलब दूसरा कोई ग्रुप हो सकता है सो दिस बेसिकली आर सी ओ आर डैश इज व्हाट इज एन एस्टर बॉन्ड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर हियर

वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ काइंड ऑफ स्टोरिंग प्लांट्स में मिलता है इंसुलिन इट बेसिकली कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइट एंड इट इज अ प्रोटीन राइट आई सेड इट्स इेसिकली कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द नेचर ऑफ इट इज बेसिकली प्रोटीन आगे चलते हैं काइटिन काइटिन जिसको कई लोग चिटिन भी बुलाते हैं काइटिन क्या होता है इट्स बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड ओनली व्हिच इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंगस एंड आल्सो इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ राइट ये कार्बोहाइड्रेट है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल दिया गया था कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये एक बेसिकली स्टेरॉल डेरिवेटिव है बट बेसिकली इफ यू लुक एट इट इट्स अ लिपिड व्हेन यू स्पीक अबाउट इट ए फ्रॉम बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू राइट आगे चलते हैं ग्लिसरॉल दिया हुआ था ग्लिसरॉल क्या होता है ग्लिसरॉल बेसिकली एक ग्लिसरॉल बेसिकली एक अल्कोहल है है ना जैसे मैंने बोला था कि मैक्सिमम लिपिड्स में जो होता है वो जो बैकबोन होती है दैट इज मेड अप ऑफ अपना ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल देन कम्स ट्रिप्सिन राइट विच आर आर एन ए मॉलिक्यूल्स ओके सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई ग्लाइकोसोडिक बॉन्ड जो कि एग्जिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में एंड पेप्टाइड बॉन्ड जो की एग्जिस्ट करता है प्रोटीन के वहां पे मतलब अमीनो एसिड्स के बीच में तो द राइट आंसर कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी इन्यूलिन दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये दिखाएगा एंड इंसुलिन दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड ये इंसुलिन दिखाएगा आई होप विद दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वॉज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स

बाई दाइम नाइट्रोजन विच यू नो इज अ वेरी वेरी हाईली ऑक्सीजन सेंसिटिव काइंड ऑफ एंजाइम इसलिए ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से काम कर ही नहीं सकता है ओके तो अब यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं ऑप्शन वो क्या क्या है अमोनिया है ऑक्सीजन है अमोनिया है हाइड्रोजन है अमोनिया अलोन और नाइट्रेट अलोन सो दंसर इज वेरी वेरी क्लियर कट ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली बनता ही नहीं है लाइक आई जस्ट स्पेसिफाइड वो ऑक्सीजन का एनवायरमेंट भी टॉलरेट नहीं करता है अमोनिया अलोन आंसर नहीं है इट्स बेसिकली अ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हेन्स इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ बोथ अमोनिया एज वेल एज हाइड्रोजन ओके सो ऑप्शन बीज गोइंग टू बी द राइट आंसर हिस्टर मैं आपको इससे रिलेटेड थ्योरी एक बार याद दिला दू यू नो दैट राइजोबिया और राइजोबियम इज बेसिकली अ बैक्टीरिया

Uh, एक रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बना देता है विच इज योर अमोनिया

एक बार बैक्टीर बन गए उनकी मल्टीप्लीकेजिबल लाइकलीकेड uh, like इस तरीके के कुछ बड़े बड़े रूट नॉड्यूल्स बन जाते हैं और इनके अंदर ये जो बैक्टीरियइड है अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं लेट मी शो यू द इक्वेशन विद विच यू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन सो दिस इज डन बाय नाइट्रोजनियस एंजाइम यहां पर क्या होगा

Which of the following hormone levels will cause release of ovum, that is ovulation, from the graphene follicle? So, this is based on chapter human reproduction 12 standard, right? More important point is that this question is based on something very, very important in this chapter, which is called as menstrual cycle. Alright. So you have learnt about menstrual cycle, which when a typically 28 day cycle

तो यहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन जब बहुत ज्यादा हाई होता है ये ट्रिगर करता है एल एच के रिलीज के लिए किसके लिए एल एच ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटेनाइजिंग जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की आ, का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है

और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ एस एच तो एफ एस एच तो बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन जब उसका होता है तो वो फॉलिकल के मेंटेनेस वगैरह के लिए हेल्प करता है उसकी ग्रोथ के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए रेलवेंट आंसर यहाँ पे है नहीं

also very important point is that it also helps in kind of development of the mammary glands right so in this question the right answer is going to be option c par ek bar, is question se associated pure topics aapko se revise estrogen like i said high concentration of estrogen is going to stimulate the ovulation process nearly at the 14th day of 28 day typical cycle fsh helps in growth and development of the ovarian follicle you have understood this point as well

यूट्राइन की की यूट्रस एपिथेलियम को डेवलप करने के लिए एंड मैमरी ग्लान्स के डेवलपमेंट में ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन विच फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस बेसिकली यू गेट आस्ट सो मेनी क्वेश्चन राइट तो यहां पर मैं आपको ओव्यूलेशन का पार्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ

दिखा आप लोग को सो नियरली फोर्टीन डे से जस्ट पहले एस्ट्रोजन का लेवल हाई हुआ जिसने ट्रिगर किया हमारे गोनाइोट्रोपेन हॉर्मोन को जब हम देखते हैं वहां पे एल एच हॉर्मोन को यहाँ पर इसने ट्रिगर किया हुआ है और जब ट्रिगर किया है तो उसकी क्वांटिटी उसका कॉन्सेंट्रेशन uh, काफी ज्यादा एलिवेट हो गया है राइज हो गया है जिसकी वजह से एक्चुअली ओव्यूलेशन ट्रिगर हुआ है समझ में आया अब आपको ये सब पॉइंट सो so, इस क्वेश्चन का व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन

है ना सब थ्योरी आ जाए सब कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है हम उनको अप्लाई करना भी सीख पाएंगे राइट right? जब तक आप उन्हें अप्लाई करेंगे जब तक आप उन्हें क्वेश्चन uh, में डालना नहीं सीखेंगे तब तक बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना विद अ वेरी गुड स्कोर सो लाइक आई कीप सेंग कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिपीट द होल प्रोसेस ओके वील सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम वेरी सुन टिल